यदि हम अपने वेदों को, अपने उपनिषदों को, अपने शास्त्रों को पढ़ें तो हमें मालूम पड़ेगा कि नारद ऋषि की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका। नारद मुनि की प्रेरणा से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बना और रामायण की रचना की। यदि रत्नाकर डाकू नारद को ना मानता तो शायद रत्नाकर के अंदर का वाल्मीकि कभी इस दुनिया में उत्पन्न ही ना होता। नारद की चर्चा और म्यूजिक ना हो तो हो नहीं सकती, क्योंकि संगीतज्ञ नारद से महान कोई नहीं था। सातो सुर सारे गामा पाधा नी सा नारद जी की देन। रत्नाकर ने नारद को बांधा। नारद ने पूछा कि तू किसके लिए डाके डालता है, किसके लिए चोरी करता है, किसके लिए लूटपाट करता है, किसके लिए इस धन को अर्जित करता है। तो रत्नाकर ने कहा कि अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। नारद ने कहा कि तू उनके लिए धन अर्जित करता है, पर इस धन को अर्जन करने में जो तू पाप कमाता है तो क्या तेरे माँ बाप, तेरी पत्नी और तेरे बच्चे उस पाप के भागी होंगे या नहीं। रत्नाकर को क्रोध आया, कैसी बात करता था। तो नारद ने कहा कि यदि तुझे इतना ही विश्वास है तो तू अपने घर जा उनसे पूछ के। रत्नाकर ने कहा मुझे बेवकूफ समझा, घर भेज के तुम भाग जाना चाहते हो। तो नारद ने कहा कि तुम मुझे पेड़ से बांध दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम अपने माँ बाप, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से पूछ कर आओ कि जो पाप तुम उनके लिए अर्जित कर रहे हो क्या वो उस पाप के भागी होंगे या नहीं। कहते हैं रत्नाकर अपने घर गया, पहले अपने माँ बाप से पूछा। माँ बाप ने कहा हमें क्या मालूम, और हम तेरे माँ बाप हैं, तुझे हमें खाना खिलाना तेरी ड्यूटी है। अब तो धन चाहे पाप से अर्जित कर चाहे पुण्य से, परंतु हमारी सेवा करना तेरा कर्तव्य है, परंतु जो तेरे पाप हैं उन्हें हमारा कोई भागीदारी नहीं। पत्नी के पास गया, पत्नी पहले से तैयार कि डाके तू डाले और इस पाप का भागी हम क्यों बने, जो डाके डालेगा पाप का भागी वही बनेगा। इसी तरह से बच्चों ने जवाब दिया। और कहते हैं रत्नाकर उसी समय नारद के पास आया, नारद की रस्सियां खोली, नारद के पांव छुए, नारद ने उन्हें गुरु मंत्र दिया कि राम राम का जाप करो। और राम राम का जाप जो कि रत्नाकर ने मरा मरा करके किया और फिर भी सिद्ध हुए और वाल्मीकि ऋषि बने। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। यानी नारद के द्वारा प्रदत्त बुद्धि से रत्नाकर डाकू जैसा व्यक्ति भी एक वाल्मीकि ऋषि बन सकता है। तो हम और आप तो छोटे छोटे पाप करते हैं, तो नारद जी की प्रेरणा से हम अपने छोटे छोटे पापों से मुक्ति पा सकते हैं। नारद जी एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जो ना केवल ब्रह्मज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ भी हैं, वेदज्ञ भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं और वैद्यों के भी ऋषि हैं। तो नारद जी के जितने गुण शायद बखान करने मुश्किल।
इसी तरह महर्षि वेदव्यास जब वेदों को चार भाग में बांट चुके, वेदों की रचना पूरी कर चुके, महाभारत को लिख चुके, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली, तब देवऋषि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और महर्षि वेदव्यास ने कहा कि महाराज, सब कुछ लिखकर भी, वेदों की रचना करके भी, महाभारत को पूरा लिखकर भी मुझे शांति और संतोष प्राप्त नहीं हुआ। आप बताएं कि शांति और संतोष का मार्ग क्या हो सकता है? तो नारद जी ने कहा कि तुमने सब कुछ लिखा, परंतु उसमें भगवान की भक्ति का, भगवान की लीलाओं का कहीं वर्णन नहीं। यदि आप कोई ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो, तो तुम्हें सुख और संतोष मिल सकता। तब देवऋषि नारद की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास ने भागवत पुराण की रचना की। और जो कथा आजकल हम भागवत की सुनते हैं, हर टीवी चैनल पर, हर जगह पर कथावाचक जितने भी है, सब भागवत की कथा, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं, और वो सिर्फ हुआ तो देवऋषि नारद की प्रेरणा से जो उन्होंने वेद व्यास की। तो सुख, शांति और संतोष के मार्ग की प्रेरणा देने वाले नारद। ध्रुव ने यदि अटल तपस्या की तो रास्ते में नारद ऋषि, नारद ने बताया कि तुम भगवान शिव की पूजा आराधना करो, और तब ध्रुव को आराध्य देव का स्थान मिला। मार्कंडेय के बारे में कहा जाता है कि माता पिता के पुत्र नहीं था, माता पिता ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया, यज्ञ में भगवान उपस्थित हुए, भगवान ने कहा कि अच्छी बुद्धि वाला छोटी उम्र का बालक चाहिए या बड़ी उम्र का अल्प बुद्धि बालक चाहिए। तो माँ बाप ने कहा कि कुशाग्र बुद्धि का, तीव्र बुद्धि का अल्प आयु बालक चलेगा, बजाय इसके कि ज्यादा उम्र का अल्प बुद्धि बालक। तो मार्तंड ऋषि के यहां मार्कंडेय पैदा हुए, परंतु पिता हमेशा उम्र के बारे में बच्चे की चिंतित थे। उम्र क्या थी? 6 साल। 5 साल 11 महीने बीत गए, मार्कंडेय को पता लगा कि पिता क्यों चिंतित है। आराधना के लिए वन की ओर प्रस्थान किया, रास्ते में देवऋषि नारद मिले। देवऋषि नारद की प्रेरणा से मार्कंडेय ने आराधना की और मार्कंडेय चिर आयु हुए, और आज हम उनकी गिनती अमर व्यक्तियों में करते हैं। यदि यह संभव हो पाया, मार्कंडेय कम उम्र से चिर आयु बन पाए, तो महर्षि नारद की प्रेरणा से। हम अपने डे टू डे लिविंग में जो व्यक्ति कोई छोटी सी बात हमें बताता है, इधर भी बताता है, उधर भी बताता है, तो हम कहते हैं नारद मुनि का रोल। हमें आदत है, गोरख ने ध्यान की विधियां कही तो हमने चोरी के धंधों को गोरख धंधा बना दिया। इसी तरह से जब कोई ज्ञान की बात इधर या उधर पहुंचाए तो हम उसे कहते हैं नारद मुनि का रोल, क्योंकि नारद के चरित्र को हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। नारद ब्रह्मा जी के मन की उत्पत्ति, नारद का विचरण पूरी धरती पर ऐसा जैसे हमारे मन का विचरण, जैसे हमारा मन मिनट में यहां, मिनट में वहां, मिनट में तहां, इसी तरह से नारद पल भर में, हालांकि नारद को तो श्राप मिला था कि एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। नारद को श्राप किसने दिया था? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने एक बार 1000 बच्चे हुए तो नारद जी ने उनको भक्ति मार्ग पर लगा दिया, तो दक्ष को लगा कि तेरा राज कौन संभालेगा, सब ब्रह्मचारी हो गए। उसके बाद फिर दोबारा 1000 बेटे पैदा किए, वो भी ब्रह्मचारी बना दिए नारद ने। तो तब दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम धरती पर 2 पल से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओ।
जैसे नारद कहीं नहीं टिक पाते, उसी तरह से हमारा मन भी कहीं पर टिक नहीं पाता। और नारद को जिसने रोक लिया उसको बुद्धि का ज्ञान मिला, उसे प्रेरणा मिली। इसी तरह से हम लोग यदि अपने मन को वश में कर सकते हैं तो हम भी विद्वान बन सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए नारद को समझना, अपने आप को समझना, अपने मन को समझना। और इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं अपने मन को समझाने के अलावा। यदि हम अपने मन को समझा सकते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमें शांति की प्राप्ति होती है, हमें संतोष की प्राप्ति। और मन को समझाने का एकमात्र उपाय नारायण नारायण, यानी भक्ति का मार्ग, कीर्तन का मार्ग। यदि इस दुनिया पर कीर्तन का मार्ग किसी व्यक्ति ने बताया तो वो नारद हुआ। और कीर्तन में आप अजमा कर देखो, व्यक्ति उन पलों में भूल जाता है और जो क्षण भंगुर आनंद उस समय आता है, ये हमें पूरा सनातन आनंद मिल सकता है, शाश्वत आनंद मिल सकता है, यदि हम हमेशा अपने मन को काबू रखें। हमेशा मन को काबू करने का उपाय कि हमारे सांस के साथ नारायण नारायण चलता रहे, हमारे प्राणों में नारायण नारायण का प्रवेश होता रहे और हमारी प्राणवायु नारायण नारायण बन जाए, तो तब हमारा मन स्थिर हो जाता है। अन्यथा मन बंदर है, उछल कूद करता रहेगा, हम भी उछल कूद करते रहेंगे, हम भी कभी धन के लालच में, कभी किसी और चीज के लालच में यहां से वहां कूदते रहेंगे और हमारा मन अस्थिर रहेगा। तो यदि हम अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं तो नारद ऋषि को अपना आराध्य देव मानकर भक्ति और कीर्तन